बिफोर आई टू रजिस्ट्रेशन नंबर एट ये सेम केस देवाल में थी बचपन में इलेवन स्टैंडर्ड में आई जस्ट वॉन्ट टू कॉल अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट डू मीन बाई हायर परचेज ट्रांजेक्शन हम कहते हैं पापा के साथ हम कई बार जाते हैं कार खरीदते हैं माई फर्स्ट कार इज ऑन लोन जिसमें मैंने 50,000 डाउन पेमेंट दिया था एंड देन आई स्टार्टेड पेइंग 4902 की 60 इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ आई यूज टू गिव अ चेक विच वॉज ऑलरेडी देयर विद देम दे यूज टू प्रेजेंट द चेक आई यूज टू मेक द पेमेंट तो वो जो 4902 था वो मेरा क्या था बच्चे इंस्टॉलमेंट जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसके दो पार्ट्स होते हैं एक प्रिंसी और एक इंटी प्रिंसी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द लोन अमाउंट तो जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल अमाउंट भी है और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज लोन लायबिलिटी या लायबिलिटी पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो मेरा क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो मैंने उस एसेट की वैल्यू पे की इंस्टॉलमेंट्स में जितना भी उस इंस्टॉलमेंट में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अगर मैंने 5,000 प्लस 1,000 पे किया एसेट के लिए कितना पे किया तो मशीन अकाउंट में कितना जाएगा 5,000 सो फार सो आई नीडेड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट बिफोर आई डू रजिस्ट्रेशन इट दैट इन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स ये लिखो मत ये नोट लिखवा भी नहीं रहा रीजन है उसका ये पूरा चैप्टर पढ़ना है आने वाले टाइम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है आने वाले टाइम में हायर परचेज उसमें ये चीज़ बार बार यही होगी सबसे पहले पता नहीं 7-8 एग्जाम्पल्स करेंगे फिर विल ट्राई टू लर्न हाउ टू बायफर्केट द इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल अमाउंट है और वो बायफर्केशन क्यों जरूरत है बिकॉज इट्स एन एसेट एंड इट्स अ एक्सपेंस इट गोज टू बैलेंस शीट इट गोज टू पीएनएल इट गोज टू बैलेंस शीट एसेट्स गोज टू बैलेंस शीट एंड इट गोज टू पीएनएल बिकॉज एक्सपेंसिज एंड रेवेन्यूज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सो वर सो लॉक कर लो कर दिया स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन के रेजिमा पढ़ेंगे ऐसे बोला था 10% स्टेट लाइन मेथड मतलब सर उठा के ठीक है उत्तर पढ़ते हैं आगे कुछ ऑन 1st जुलाई 2011 गोपाल लिमिटेड परचेज सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रीकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट तो कैन आई से टोटल वैल्यू कितनी हो गई 23,000 सो मेरी एंट्री जो मशीन टू बैंक में करूंगा वो कितने से करूंगा 23 आपकी बुक क्या करती है बच्चों कई बार टू बैंक 20 टू बैंक 3 अलग अलग भी लिख देती है बट डेप्थ तो किस पे लगेगा 23 तो उसमें परेशान मत होना कि सर ने इकट्ठा लिख दिया बुक ने अलग अलग लिखा टू डिफरेंट वेज ऑफ करेंटिंग सेम डेट पे मैं टू बैंक दो बार लिख दूंगा बट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन वो तो कितने पे लगेगा 23,000 तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो मैं शुरू से लिख देता हूँ साफ टू बैंक अकाउंट नंबर 1 23,000 एंड द मोमेंट आई राइट 1st जुलाई 11 आई नो 31st मार्च 12 तक आई हैव टू फोकस और टेक वन ईयर एट ए टाइम कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ईयर एट ए टाइम दिस ईयर इज गोइंग टू एंड ऑन 31st मार्च 12 सो आई हैव टू फोकस वट एवर हैपन्स टिल 31st मार्च 12 आगे बढ़ो बच्चों ऑन 1st जनवरी 2012 द फर्म परचेज मशीनरी वाज 12,000 फर्स्ट जैन 12 मार्च 12 से पहले आ गई इट मींस मशीन नंबर 2 इज आल्सो परचेज इन द सेम फाइनेंशियल मशीन नंबर 2 इज आल्सो परचेज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर सो कैन आई राइट टू बैंक अकाउंट नंबर 2 फर्स्ट जनवरी 12 हाउ मच नेक्स्ट ऑन 30th जून 2013 ओह बहुत दूर की बात है क्योंकि जून 13 से पहले क्या आ गया मार्च 12 जुलाई 11 को स्टार्ट किया था तो उसके बाद मार्च कौन सा आया 12 तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन डेप टू मशीन डेप टू प्रोविजन अरे जब करेंगे प्रोविजन वाला क्वेश्चन तब होगी उससे पहले थोड़ी सो माय एंट्री इज डेप टू प्रोविजन सॉरी डेप टू मशीन डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन एम 1
M2, कितना परसेंट? 10%, कितना आया? 2300. सॉरी मैम, I have to do it for 9 months because I am going to calculate the depreciation for 9 months. 1725. ऐसे ही M2 का डेट कितना? 1200. सॉरी मैम, I have to do it for. वही भाग में था भाग. पिछली बार तो ड्राइंग भी बनाई थी ऐसे. अब आप बच्चों को पता है बताए नहीं. This date till this, this date till this. For the date of purchase till the closing, I have to see how many months the asset has been used. So far so okay. So 1200 into 3 by 12, 300. So total depreciation becomes 2025. Now balance can it come? M1 kitna? This minus this. Call 23,000 minus 1725. 21,275. M2 12,000 minus 300, which is 11,700. 3,2,9,7,5. Yes. इस साल का closing balance, next year का opening balance 35,000. Total 35,000. 1st April 2012. Two balance brought up. M1, M2, 21,275, 11,700. Now before I go further, this year will end on 31st March 30. And you are reading something related to 30th, तो मतलब पार्ट में ना, because this year जिसकी मैं books बना रहा हूँ 12, क्योंकि मार्च के बाद 12 आया, this will end when 31st March 30, और आप जो बात कर रही हो तो उसके भी बात है, आप जो बात कर रही हो तो उसके भी बात है, इसीलिए मुझे उससे मतलब नहीं है, तो सबसे पहले इस साल के end पे फिर से क्या करें? 31st March 30 by depreciation. M1 कितना? क्योंकि straight line method है ना, तो सर उठा के जियो. यही आने वाले time में WDV का question करूँगा, तो आप 10% किस पे निकाल दो? उस पे बोलने की बात है. और सर झुका के जियो called return down value called book value. But अभी हमारा किस पे निकलेगा? Original cost पे. और M2 का ना 31st March 30 by balance carried down. M1 कितना? 21,275. यार डेप उस पे लगाया था, but closing balance के लिए तो इसी को use करूँगा ना. उस पे क्यों? क्योंकि method ऐसा. But otherwise machine one की value how much is left? 21,275, which got further depreciated by 23,000. ऐसे M2 11,700 minus 5 1 0 5 0 0 2 9 4 7 5. अब आप बोलो जो आप पढ़ रहे थे. On 30th June 2013, the machinery purchased on 1st Jan 2012 was sold for 8,000. अच्छा और कुछ? On 1st July 2013. वो बात. पहले हम 30th June 13 की बात करते हैं. सबसे पहले हम 30th June 13 की बात कर लेते हैं. What is happening on 30th June 13? We are going to sell the machine which was purchased on Smart जो मैं पिछली बार बता रहा था. ज़्यादातर क्या होता है? We sell machine one, फिर machine two. इस बार वो directly कौन सी machine बेचने की बात कर रहा है? कौन सी date को कर रहा है? 30th June 13. Which machine? The one which was purchased on नहीं बोला? The machine which was purchased on 1st January 12 is going to be sold on 30th June 13. तो दो dates. एक date when to sell, दूसरी date which one to sell. So 1st January 12 means they are trying to tell us we are not selling machine number 1, we are selling machine number 2. Second, when you are selling it? 30th June 13. How many counting date to 30th?
पिछली बार आपने जो क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में देखा होगा उसमें वी सोल्ड द एसेट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इसलिए मैंने बाय डे लिखा था। क्यों? बिकॉज वी वर स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट अप्रैल एंड वी वर सेलिंग द एसेट ऑल्सो ऑन फर्स्ट अप्रैल, बट इस केस में तो आप फर्स्ट अप्रैल पे खड़े हो, बट व्हेन यू आर सेलिंग द एसेट तो सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करोगे? तो मैंने भी लिखा 30th June 2013 बाय डेप्रिसिएशन, किस पे? M2 कितना? 1200 नहीं 1200 क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। WDV होता तो शायद मैं इस पे करता, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो मैं शायद 10500 पे करता, करूंगा आने वाले टाइम में, बट अभी तो वापस कोइंसिडेंटली क्वेश्चन सेट रहेंगे। नाउ इस डेट पे आपने एसेट को कितने का बेचा? 8000। देखो मैंने क्या लिखा, माइनस जीरो, समझ गया कि पीरियड विनोट कि अगर कोई कमीशन ऑन सेल है वो मुझे सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी भाई सेलिंग द एसेट, तो ये कितना आ गया 8000। अब प्रॉब्लम है मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए हम रफ में आ गए कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। बुक वैल्यू बुक वैल्यू 1st April 2013 को M2 की कितनी थी? 10,000। But did you sold it on 1st April 13? No, you sold it on 30th June. By that time you have depreciated it by, so less depreciation till 30th June 13, which is 300. So you sold it for 10,000. No, this is not sold. This is the book value on 30th June 13. Now you sold it for how much? 8,000. So 2,200 is loss. Because profit or loss is calculated by comparing sale value with book value on the date of sale. Okay. अब आगे की हम बात करें, loss हो गया 2,200 का, losses are तो machine account, so entry बन गई 300 तो machine, company का किस पर नहीं? Is it company? गोपाल लिमिटेड और कंपनी है, तो वर्ड पीएनएल की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सो माय एंट्री बिकम्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू मशीन, क्योंकि लॉसेस आर डेबिटेड टू मशीन अकाउंट क्रेडिट ऑन द सेम डे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना? 2200। नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं जो आपको दी जा रही थी। On 1st July 2013, a fresh machinery was purchased on installment basis. Payment for the machinery was to be made as follows. 1st July 2013, 5,000. 30th June 2014, 6,000. And 30th June 15, 5,500. Payment in 2014 and 15. इस sentence को underline कर दो। Payment in 2014 and 15 includes interest of ₹1,000 and ₹1,500. ये लिखा है। Payment in 2014 and 15 include interest of ₹1,500। आप मेरी बारी, अगर आप मशीन कैश पे खरीदते हो तो आप बोलते हो मशीन टू वेंडर, क्रेडिट पे खरीदते हो तो आप बोलोगे मशीन टू वेंडर, डिबेंचर का जब से याद कर लगा, और अगर कैश और क्रेडिट दोनों है तो आप बोलोगे मशीन टू बैंक टू वेंडर। आज आपने इमीडिएट पेमेंट कितनी की है मैं बताता हूँ, 5,000। जो 1st जुलाई को आपने पेमेंट किया वो इमीडिएट पेमेंट ही तो हो गया। आप पक्का मत देखना मेरी बात सुन लेना, उसके बाद दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, आपके नंबर नहीं कटने वाले। आज आपने मशीन खरीदी उसकी इमीडिएट पेमेंट कितनी की? 5,000। यानी बाकी आपने मशीन किस पे खरीदी? पार्ट कैश एंड पार्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बेटर। सो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वेंडर। ओके, बैंक में कितने पैसे, वेंडर को कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, पहली कितनी की है और दूसरी? हाँ, देखो मैंने क्या किया, इसमें से 1000 और 500 माइनस करती है और यहाँ लिखती है 10,000 और टोटल लिखती है 15,000। सर क्यों? अभी तो समझा रहा था यार, जो भी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है वो इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मुझे इस अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना है या रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे एसेट की वैल्यू लिखनी है ना। तो आउट ऑफ द
655 पर 11,500 तो आप इंटरेस्ट का दोगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट का कितना दोगे? तो मशीन विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही आएगा जो आने वाले टाइम में दोगे। कितना लिखोगे? 10 ही तो लिखो। और यू कैन डायरेक्टली राइट मशीन टू वेंडर, कुछ स्कूटी पे कहते हैं क्वालिटी ट्रैक, यू कैन डायरेक्टली राइट मशीन टू वेंडर कि पहले आपने क्रेडिट पे ली फिर आपने पेमेंट की, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ज्यादातर टीचर ये प्रेफर करते हैं और मैं भी इससे प्रेफर करता हूँ। उसका रीजन आज नहीं बताऊंगा, उसका रीजन जब मैं हर चीज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दोनों में गलत, दोनों में कुछ नहीं है। कैश इज गोइंग आउट फॉर बैलेंस यू बिकम माई क्रेडिटर, और आय से पूरी पेमेंट तो अभी हुएंगी, तो पहले तो क्रेडिट पे परचेज हुआ, उसके बाद पेमेंट्स कॉल इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू किया ना, बट अमाउंट पूरी 16,500 नहीं आएगी क्योंकि उसमें 1500 किस चीज का है? इंटरेस्ट का, विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। सो फार सो गुड, लॉक कर दो, आगे बढ़ो बस। तो ठीक है, साल का एंड आ गया 31 मार्च 14 बाय, सबसे पहले क्या लगाओगे? टेन। किस पे? M1 पे और M2 तो बिक गया, पंजाबी में ही तो कहते हैं मर गया मिट्टी बाबू, रात गई बात गई। वी ओनली हैव मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3, क्योंकि मशीन 2 इज ऑलरेडी सोल्ड। तो मशीन 1 पे कितना सर? 2300। मशीन 3 पे कितना सर? 1500। मैं कहता सॉरी, इट विल बी इनटू 9 बाय 12। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा ना, यू हैव परचेस्ड दिस ऑन 1 जुलाई। तो बताओ 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना भी भाग मिलकर भाग गया? Depreciation will be only from the date of purchase till the accounts are closed. So it is 1 month 2 months. अच्छा मेरी बात, अब थोड़ा स्मार्ट बच्चे बनना। पिछली बार मैंने गन्ने की तरह सिखाया था, अभी भी सिखाऊंगा वैसे तो। M1 और M3 कितना? सर M1 का कितना बचा होगा? 18,975। और उसमें से और वैल्यू कितनी कम हो गई आपकी? 20। तो आपके पास बचा कितना? सर डेथ तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल रहे बेटा, वो मेथड है ना, बट बुक वैल्यू के लिए तो देखूंगा ना इस करंट ईयर में हाउ मच इज लेफ्ट, हाउ मच इज फर्दर डिटेरियोरेटेड कॉल्ड डेप्रिसिएटेड एंड हाउ मच इज द बैलेंस लेफ्ट। क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज आई एम लेफ्ट विद 16,675 M3 था हमारे पास कितना 15,000 का, और डेप आया 1125, तो 13,875। सो टोटल इज इट 30550 बुक में दिया हुआ? दिया होगा, गारंटेड दिया होगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ रिधिमा, जब आपको पता है कि ये मेरा लास्ट ईयर है, सुनना आकांक्षा मेरी बात, जब आपको पुत्र पता है ये मेरा लास्ट ईयर है, टेक दिस एज ये इंडिविजुअल ब्रेकअप करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऑल डेबिट प्लस एंड ऑल क्रेडिट, हाँ अदरवाइज आपको उसको वेरीफाई करना तो आप नहीं। आंसर आपके पास है, किसी कुछ भी छोटा मोटा पतला नाटा मोटा लिखना है आप लिख सकते हो, एट देन यू सॉल्व विद द न्यू क्वेश्चन।